वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो, सब लोग बढ़िया हो ना, चलो अच्छी बात है। तो पिछली क्लास में मैंने प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह जो चैप्टर नंबर 4 है वो स्टार्ट किया था। इसमें हमने प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा था। हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं उन रोगाणु से मुक्ति दिलाने के लिए जो क्रियाविधि कार्य की जाती है वो प्रतिरक्षा कहलाती है। मैंने दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधि के बारे में बताया था, एक तो थी स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और एक थी उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा विधि थी वो थी जन्मजात प्रतिरक्षा वाली, और जो उपार्जित प्रतिरक्षा वाली थी वो थी कि जन्म के बाद जो पैदा होने वाली प्रतिरक्षा होती है यानी कि इम्यूनिटी होती है वो कहलाती है उपार्जित प्रतिरक्षा, यानी कि एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े थे प्रतिजन क्या होते हैं और प्रतिरक्षी क्या होते हैं। तो प्रतिजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि बाहरी रूप से जो रोगाणु होते हैं ठीक है वो क्या कहलाते हैं, वो प्रतिजन कहलाते हैं। और ये प्रतिजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो इनका आक्रमण होता है हमारे शरीर की जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं उन पर आक्रमण करते हैं, और इन बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया था, तो आज हम इनको और अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि प्रतिजन क्या होते हैं और इसकी संरचना कैसी होती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षी के बारे में। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर अपन बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आप लोग चैप्टर चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। तो हम सबसे पहले जो प्रतिरक्षा वाला जो टॉपिक है उसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले प्रतिजन के बारे में। किन के बारे में? प्रतिजन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एंटीजन। तो प्रतिजन होते क्या हैं? जो प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन ये हमारे शरीर में रोगाणु या फिर वाह्य कारक की तरह कार्य करते हैं ठीक है। अब देखते हैं कि जो प्रतिजन है, इस प्रतिजन का आणविक भार कितना बार, आणविक भार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। प्रतिजन का जो आणविक भार होता है वो 6000 डाल्टन, कितना, 6000 डाल्टन ठीक है, या फिर इससे अधिक होता है। ओके, और हमारे शरीर में जो प्रतिजन होते हैं ये मैंने आपको बताया था ये कैसे कारक होते हैं, ये बाह्य कारक होते हैं, लेकिन शरीर के अंदर भी प्रतिजन पाए जाते हैं, शरीर के अंदर भी प्रतिजन हो सकते हैं। ऐसी बहुत सी कोशिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर में प्रतिजन का कार्य करती हैं, जैसे कि जो कैंसर इन्फेक्टेड कोशिकाएं होती हैं और जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो प्रतिजन का कार्य करती हैं। तो वायरस इन्फेक्टेड यानी कि विषाणु संक्रमित कोशिकाएं ठीक है, और इसी के साथ साथ जो कैंसर ग्रसित कोशिकाएं होती हैं वो भी किसका कार्य करती हैं, वो भी इसी प्रतिजन का कार्य करती हैं। यानी कि ये संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं वो एक तरह से रोगाणु जनक का कार्य करती हैं, किसका कार्य करती हैं, रोगाणु जनक का कार्य करती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, अब देखते हैं आगे। तो जो प्रतिजन होता है, प्रतिजन यह विभिन्न प्रकार के रासायनिक संगठन से मिलके बना होता है, इससे रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल कंपोजिशन से मिलके बना होता है, जिसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आता है प्रोटीन, इसी के साथ इसमें पॉलीसेकेराइड भी आती है, पॉलीसेकेराइड लिपिड, और लिपिड के साथ साथ इसमें न्यूक्लिक अम्ल भी आता है, न्यूक्लिक अम्ल ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। तो हमारे शरीर में जब जो प्रतिजन है कि एंटीजन होता है, एंटीजन ये क्या होता है, एक रोगाणु होता है, रोगाणु तो ये शरीर में प्रवेश करता है तो इसका जो सामना होता है सबसे पहले वो होता है हमारी जो स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रणाली से इसका सबसे पहले सामना होता है। मैंने आपको जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रणाली है इसके बारे में कल बताया था, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें त्वचा, नासा छिद्र, नाक के जो छिद्र होते हैं ठीक है, इसके साथ साथ जो श्लेष्म होता है, श्लेष्म जो चिपचिपा पदार्थ होता है, ये क्या करते हैं, ये आने वाले रोगाणुओं को शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं ठीक है। तो ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा
प्रणाली होती है। तो सबसे पहले जो हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश करता है उसका सामना होता है स्वाभाविक प्रत्यक्षा प्रणाली से। तो स्वाभाविक प्रत्यक्षा प्रणाली के बाद क्या होता है, इसके बाद जो प्रतिजन होता है, प्रतिजन वह किसको सक्रिय कर देता है, वह विशिष्ट, यह विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली को, प्रतिरक्षा विधि को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है, यानी कि इसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो इस विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के द्वारा क्या होता है, इसी के द्वारा प्रतिरक्षी का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रतिरक्षी किसको बोलते हैं, एंटीबॉडी को बोलते हैं, किसको, एंटीबॉडी को कहा जाता है। तो ये विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के द्वारा क्या होता है, इस एंटीजन को, इस प्रतिजन को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, इसका विनाश करने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और देखते हैं इसके बारे में, इसके बाद क्या होता है, जब प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण ही किसके कारण होता है, ये एंटीजन को खत्म करने के कारण होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, प्रतिजन और जो प्रतिरक्षी होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, तो प्रतिजन का जो एंटी वाला जो पदार्थ होता है वो कहलाता है प्रतिरक्षी, क्या कहलाता है, प्रतिरक्षी, यानी कि एंटीजन का जो एंटी पदार्थ होता है वो एंटीबॉडी कहलाता है। किसी भी एंटीजन को हमारे शरीर में जब प्रवेश कराया जाता है या फिर खुद ही प्रवेश होता है तो उसको नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में या तो एंटीबॉडी खुद ही डेवलप होती है या फिर बाहर से टीका या कोई वैक्सीन लगा के इंजेक्ट की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब ये प्रतिजन और जो प्रतिरक्षी की क्रिया करते हैं, इसमें जो प्रतिजन होता है, इस प्रतिजन का एक विशेष भाग ही किससे क्रिया करता है, प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, किससे, यानी कि एंटीबॉडी से क्या करता है, प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। ठीक है, और यह विशेष भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है यह भाग कहलाता है एंटीजनी निर्धारक। क्या कहलाता है, एंटीजनी निर्धारक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एपिटोप। क्या कहा जाता है, एपिटोप कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार आपको मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, जो प्रतिजन होते हैं वो हमारे शरीर में रोगाणु एक तरह से बाह्य कारक के रूप में कार्य करते हैं और इनका आणविक भार होता है, जो मॉलिक्युलर वेट होता है वो 6000 डाल्टन या इससे ज़्यादा होता है। कि हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिजन होते हैं वो प्रतिजन बाहर से तो आते ही हैं, जो बाह्य कारक होते हैं वो रोगाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं। लेकिन हमारे शरीर की कुछ ऐसी कोशिकाएँ भी होती हैं जो शरीर के अंदर भी प्रतिजन की तरह कार्य कर सकती हैं, जैसे कि जो वायरल इन्फेक्टेड जो सेल्स होती है, यानी कि विषाणु संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं, एवं कैंसर ग्रसित यानी कि कैंसर इन्फेक्टेड जो सेल होती हैं वो हमारे शरीर में प्रतिजन का कार्य कर सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो प्रतिजन का जो रासायनिक संगठन होता है, यानी कि प्रतिजन होता है वो विभिन्न प्रकार के रासायनिक संगठनों से मिलकर बना होता है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, ये प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, इसी के साथ साथ लिपिड एवं न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना हो सकता है। तो जो प्रतिजन है वो इनमें से किसी से भी मिलकर बना हो सकता है। अब हमारे शरीर में जो एंटीजन होता है जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो इसका सबसे पहले जो सामना होता है वो स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रणाली से इसका सामना होता है। इसके बाद यह प्रतिजन होता है, यह विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि यानी कि विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली से यह टकराता है, इससे सामना होता है और यह विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि को यानी कि प्रणाली को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, सक्रिय कर देता है। और इसी विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के द्वारा ही हमारे शरीर में प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण होता है। जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो गया तो हमारे शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्रिया करते हैं, यानी कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी आपस में क्रिया करते हैं। और जो प्रतिजन होता है इसका पूरा भाग, यानी कि पूरा का पूरा प्रतिजन होता है वो प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता है, इसका कुछ विशेष भाग ही प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करता है और वह विशेष भाग कहलाता है एंटीजनी निर्धारक, इसको इंग्लिश में एपिटोप कहा जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि जो प्रतिजन होता है इस प्रतिजन का पूरा भाग प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता है, इसका कुछ ही भाग प्रतिरक्षी से क्रिया करता है और वो भाग कहलाता है एंटीजनी निर्धारक। क्या कहलाता है, एंटीजनी निर्धारक कहलाता है।
इसको क्या बोलते हैं, एपिटोप। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था जो एंटीजन होते हैं वो प्रोटीन से भी बने होते हैं। किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन में 6 से 8 अमीनो अम्ल की क्या पाई जाती है, अम्ल की एक श्रृंखला पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक श्रृंखला पाई जाती है। तो यह जो श्रृंखला होती है, यह श्रृंखला किसका कार्य करती है, यह श्रृंखला इन एंटीजनी निर्धारक का कार्य करती है। किसका, एंटीजनी निर्धारक का कार्य करती है, यानी कि यह एपिटोप का कार्य करती है। तो इस प्रकार से एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक होते हैं। ठीक है, तो एक प्रोटीन में जब कई एंटीजनी निर्धारक होते हैं तो जो इनकी संख्या होती है, यानी जो एंटीजनी निर्धारक की जो संख्या होती है वो कहलाती है एंटीजन संयोजकता। क्या कहलाती है, एंटीजन संयोजकता, यानी कि एंटीजन बैलेंसी। ठीक है, तो एक प्रोटीन में कई प्रकार के एंटीजनी निर्धारक होते हैं, इनकी संख्या क्या कहलाती है, एंटीजनी संयोजकता कहलाती है। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में और आगे कि जो अधिकतर यानी कि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु में यह जो एंटीजन संयोजकता होती है, यह एंटीजन संयोजकता होती है ये करीब 100 या इससे अधिक पाई जाती है। अब ये एंटीजन संयोजकता क्या होती है, जो एक प्रोटीन में जो एंटीजनी निर्धारक होते हैं उनकी कई संख्या पाई जाती है और ये कई संख्या ही एंटीजन संयोजकता कहलाती है। और बैक्टीरिया में यानी कि एक जीवाणु में ये कम से कम 100 या इससे अधिक हो सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसको रोकता कौन है, उसको विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के द्वारा क्या किया जाता है, इसका खात्मा किया जाता है, यानी कि इसका विनाश, यानी कि इसको नष्ट किया जाता है। ठीक है, तो यह विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि है, यह एक एंटीजन को किस प्रकार से नष्ट करती है, तो इसके क्रियाविधि के 4 चरण हैं। इसकी क्रियाविधि के कितने चरण बताए गए, 4 चरणों में यह कार्य करती है, 4 चरणों में। तो पहला चरण कौन सा है, मैंने आपको बताया था जो प्रतिजन होते हैं वो बाह्य कारक के रूप में कार्य करते हैं, बाह्य रूप से रोगाणु कारक होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं भी बताई थी मैंने, जैसे वायरस इन्फेक्टेड कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, और जो कैंसर इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर भी प्रतिजन का कार्य करती हैं। तो सबसे पहले ये जो विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि है, इसको ये चेक करना होता है, ये डिफरेंस करना होता है कि ये प्रतिजन है वो आंतरिक है या बाह्य है। ठीक है, तो इसको क्या चेक करना होता है, इसको आंतरिक प्रतिजन एवं बाह्य प्रतिजन में अंतर करना होता है। क्या करना होता है, अंतर करना होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो उसका दूसरा चरण है, अब दूसरा है कि जो एंटीजन होते हैं, ठीक है, इन एंटीजन के अनुसार जो एंटीजनी निर्धारक होते हैं, एंटीजनी क्या होते हैं, निर्धारक होते हैं, एंटीजनी निर्धारक, इनकी संरचना के अनुसार, इनकी संरचना के अनुसार, संरचना के अनुसार, संरचना के अनुसार जो ये विशिष्ट जो प्रतिरक्षा विधि होती है, यह विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि क्या कार्य करती है, यह विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती है। किसका, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती है। और ये प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो इस विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि में जो प्रमुख कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिरक्षी निर्माण में सहायक होती हैं वो कोशिकाएं कौन सी होती हैं, मैंने बताया था ना, बी लिम्फोसाइट, कौन सी, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। तो इन बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है और इन प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा ही कोशिकाओं के मध्य, किनके मध्य, कोशिकाओं के मध्य, इन कोशिकाओं के मध्य किनका निर्माण होता है, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अब हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो ये स्टेप था, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ये स्टेप हो गया तीसरा स्टेप।
ठीक है। अब चौथे स्टेप में क्या होता है, अभी तक तीसरे स्टेप में हमने एंटीबॉडी का निर्माण कर दिया है, अब आगे जाके चौथे स्टेप में ये जो प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन यानी कि एंटीजन और प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी, इन दोनों में क्या होती है, इनमें होती है प्रतिक्रियाएँ, क्या होती हैं, प्रतिक्रियाएँ होती हैं, और इन प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप जो हमें रिजल्ट की प्राप्ति होती है, इससे प्रतिजन का क्या होता है, विनाश हो जाता है, प्रतिजन का विनाश हो जाता है, ठीक है। तो ये विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि है, ये चार चरणों में कार्य करती है। पहला चरण तो होता है ये डिफरेंस करना होता है कि जो प्रतिजन है वो आंतरिक वाला है या बाह्य वाला है, ठीक है। तो हमें प्रतिजन का पता चल गया कि प्रतिजन है वो बाह्य है या फिर आंतरिक वाला है, तो उसके बाद होता है जो एंटीजन निर्धारक होते हैं यानी कि एपिटोप होते हैं, उनकी संरचना के आधार पर जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण होता है। और तीसरा स्टेप बनता है कि ये प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाओं के अंदर यानी कोशिकाओं के मध्य में प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, ठीक है। जब एंटीबॉडी का निर्माण हो गया तो चौथा स्टेप में आता है, तो अब प्रतिजन और प्रतिरक्षी की आपस में क्रियाएं होती हैं, और इस क्रिया के दौरान प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी के द्वारा प्रतिजन यानी कि एंटीजन को खत्म कर दिया जाता है यानी कि उसका विनाश कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और हमारी प्रतिरक्षा विधि के द्वारा इस प्रतिजन का विनाश कर दिया जाता है और हमारा शरीर रोग मुक्त रहता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिजन होता क्या है। इसका मैंने आपको आणविक भार बताया था, कितना बताया था, 6000 डाल्टन। आपको ये याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, आणविक भार होता है, वो कितना होता है। आपको याद रखना है कि 6000 डाल्टन, तो डाल्टन इसकी क्या है, इकाई है, ठीक है, 6000 डाल्टन आपको याद रखना है, ये इससे अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रतिरक्षी, क्या है, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। तो अब देखते हैं कि ये प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था जब हमारे शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो उसको नष्ट करने के लिए इसका निर्माण होता है, उसको नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो ये प्रतिरक्षी होता क्या है, ये हमारे शरीर में एंटीजन यानी कि प्रतिजन को खत्म करने के लिए निर्मित होते हैं, ठीक है। और इस प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। इसको हम आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो प्रतिरक्षी का निर्माण होता है किनके द्वारा होता है, इन प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा होता है, किसके, प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो ये भी एक क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, कौन सा वाला प्रोटीन होता है, ऐसा प्रोटीन जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा, प्लाज्मा, प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा होता है, कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है। इस प्रोटीन का नाम क्या है, दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे, इस प्रोटीन का नाम है गामा ग्लोबुलिन, तो इस प्रोटीन का नाम होता है गामा ग्लोबुलिन। तो यानी कि जो प्रतिरक्षी होता है वो गामा ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन से बना होता है जो प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब होता क्या है, जब हमारे शरीर में जो प्रतिजन प्रवेश करता है उस प्रतिजन को पहचान कर ये प्रतिरक्षी होता है एंटीबॉडी उससे क्या करता है, क्रिया करता है, ठीक है। तो क्रिया किसके बीच में हुई, प्रतिजन और किसके बीच में, प्रतिरक्षी के बीच में क्रिया होती है, ठीक है। अब जिस प्रकार से प्रतिजन होता है वो पूरी तरह से प्रतिरक्षी के साथ नहीं जुड़ता है, क्रिया नहीं करता है, इसका कुछ ही भाग प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करता है, जिसे कहा जाता है एपिटोप, क्या कहा जाता है, एपिटोप। इसी प्रकार से प्रतिरक्षी का भी कुछ भाग प्रतिजन से जुड़ता है और क्रिया करता है, वह कुछ भाग कहलाता है पैराटोप, क्या कहलाता है, पैराटोप, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद रखें, एपिटोप क्या होता है, पैराटोप क्या होता है। जो प्रतिजन होता है वो पूरा का पूरा प्रतिरक्षी के साथ नहीं जुड़ता है, उसका कुछ विशेष भाग ही
प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करता है और प्रतिजन का यह विशेष भाग क्या कहलाता है, एपिटोप कहलाता है। इसी प्रकार ही प्रतिरक्षी का कुछ भाग प्रतिजन के साथ क्रिया करता है और वो भाग कहलाता है पैराटोप। ये आपको याद रखना है कि पैराटोप क्या होता है और एपिटोप क्या होता है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्रतिरक्षी होती है वो हमारे शरीर में एंटीजन होते हैं, उनको खत्म करने के लिए निर्मित होते हैं। ठीक है, और इस प्रतिरक्षी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि इसको हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, इसको हम IG से डिनोट करते हैं। ठीक है, और प्रतिरक्षी होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। इस प्रोटीन का नाम होता है गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे ये प्रतिरक्षी होते हैं वो प्रतिजन की पहचान करते हैं और उसे क्रिया करके उनको खत्म कर देते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया प्रतिजन, उसके बाद हमने पढ़ लिया प्रतिरक्षी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इस प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो प्रतिरक्षी होता है इसकी जो शेप होती है, इसकी आकृति होती है, ये अंग्रेजी के लेटर बाई के समान होता है। किसके समान? अंग्रेजी के लेटर बाई के समान होता है, ये इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद हम जो प्रतिरक्षी की संरचना है उसको मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। ओके, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया समझ में आ गया होगा, और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो जिससे आपको चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ये और बच्चों तक भी पहुँच सके और वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। कल शुक्रवार है यानी कि फ्राइडे, तो नए शेड्यूल के अनुसार मैंने आपको बताया था कि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी और सैटरडे और संडे को आपकी छुट्टी रहेगी यानी कोई भी क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो कल क्या है, कल फ्राइडे है, कल मैं आपका टेस्ट लूंगा। ओके, आज थोड़ी आपको लग रहा है थोड़ी एनर्जी कम है, लेकिन कल हम फुल एनर्जी के साथ आपसे मिलेंगे और आपका मैं टेस्ट लूंगा और उसमें आपको अपना 100% देना है। इसका मतलब आप फुल तैयारी करके आओगे जहां तक मैंने पढ़ा दिया है। तो वही पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो जहां तक मैंने आपको प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ा दिया, यहां तक आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूं। कल अच्छे से पढ़ाई करके आना और जोरदारी से सारे क्वेश्चन के आंसर देना ताकि आपको मजा आ जाए और मेरे को भी मजा आ जाए। मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं, आपकी पढ़ाई करवा रहा हूं, तो वास्तव में आप उतना काम करके दे रहे हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको याद हो रहा है। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में।